देखो हमारा हम जो सीख रहे हैं टॉपिक कि हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एमीटर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल होता है करंट मेजर करने के लिए। आप जितनी हायर रेंज वाला एमीटर, जितना हायर रेंज का करंट आप मेजर करना चाहते हो उतना हायर रेंज का करंट हम एमीटर का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। तो एमीटर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर की करंट रेंज बढ़ाना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर की खुद की करंट रेंज कितनी है? आईजी, इसको सिंबॉलिकली हम आईजी बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि सपोज इसकी 10 mA है, हमको इसका एमीटर बनवाने का है 1000 mA वाला, मतलब हमको इसकी करंट कैपेसिटी 100 times बढ़ानी है, बराबर है। आईएस क्या होता है? आईएस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, जो हम लोग ने गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था, वो कितना करंट बाईपास कर सकता है, जिसको हम लोग बोल रहे करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट और शंट करंट। और एस जिसको हम लोग क्या बोले, शंट। शंट क्या होता है? काइंड ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट टू डिक्रीज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अभी देखो सवाल ये है, देखो शंट लगाने से हमारे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, थोड़े ध्यान से एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। शंट लगाने से हमारे 3 फायदे हो रहे। एक, हमारा गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग ने शंट को पैरेलल में लगाने की वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कम हो गया। दूसरा, पूरे कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कॉम्बिनेशन की करंट अलाउ करने की कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया कॉम्बिनेशन का तो करंट मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट वो अलाउ करेगा। तीसरा कि गैल्वेनोमीटर से हम उतनी ही करंट पास कर रहे हैं जितना कि वो मेजर कर सकता है, 10 mA। मतलब हम लोग ने गैल्वेनोमीटर को करंट ज्यादा भेजा क्या? नहीं, मतलब हम लोग गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से भी बचा रहे हैं। तो इस प्रकार शंट लगाने से हमारे 3 फायदे हो रहे हैं। ध्यान सुनना, एक, वी हैव डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाई कनेक्टिंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद दैट। सेकेंडली, वी हैव इंक्रीज द करंट रेंज ऑफ द एमिटर। एंड थर्ड, वी हैव प्रोटेक्टेड द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम गेटिंग डैमेज। 3 फायदे हो रहे। एक बार फिर से, वी हैव डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, वी हैव इंक्रीज द करंट रेंज कैपेसिटी ऑफ द एमिटर, एंड एज वेल एज वी हैव प्रोटेक्टेड द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम गेटिंग डैमेज। ये 3 फायदे हमारे हो रहे हैं। गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से बच रहा है, कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो रही है, और पूरे कॉम्बिनेशन की करंट मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब इसके रिक्वायर्ड फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखो कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहला, कि जैसे कि मैंने कहा आई जी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर और द करंट फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज द फुल स्केल रिफ्लेक्शन, आई एस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, एंड द टोटल करंट जो हम लोग को मेजर करवाना है वो आर। सो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको 1000 mA वाला एमीटर बनवाने का था, तो 10 mA आपका गैल्वेनोमीटर बेयर कर रहा था और 990 mA आपका शंट बाईपास कर रहा था। इसको अभी मैं सिंबल में लिखूंगी कि टोटल करंट कैपेसिटी आपको बढ़वानी थी आर, गैल्वेनोमीटर की खुद की करंट मेजर करने की कैपेसिटी थी आई जी, और शंट जो करंट बाईपास करवा रहा था वो था आई एस। तो इस प्रकार मैं कहूंगी कि आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। तो इनडायरेक्टली आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई एस, राइट। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, हमें डिराइव क्या करना है। सवाल ये पैदा होता है कि हमको अगर गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर बनाना है तो कितने वैल्यू वाला शंट लगाना पड़ेगा। मैंने तो ये जनरल, इन जनरल मैंने ये बता दिया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाना है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके साथ एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है। अब स्मॉल वैल्यू वाला लगाने से एग्जैक्टली पिक्चर थोड़ी ना क्लियर हो रहा है। अब स्मॉल वैल्यू वाला मैंने एग्जैक्टली कितने वैल्यू वाला, कितने ओहम वाला रेजिस्टेंस आप उसके साथ पैरेलल में लगाओगे, कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितने ओहम वाला लगाना है। उसके लिए तो आपको एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगेगा कि भाई मेरे को गैल्वेनोमीटर अगर 1000 mA वाला बनाना है तो मैंने इसके साथ कितने वैल्यू वाला शंट लगाना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक शंट निकालने का एक फॉर्मूला लगेगा। तो लेट अस डिराइव दैट फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से बनाएंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे। हमने क्या सीखा है, बेसिक 11वीं में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने बेसिक भी सीखा है कि जब भी रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है। तो भी देखो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस सपोज टू बी 100 ओम है,
और शंट हमें पता नहीं है कितना लगाना है, जो भी लगाना है देखिए कितना लगाना है वो तो निकालना है, लेकिन ये दोनों भी एक प्रकार, ये भी रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। अब पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट क्या होगा, सेम, मतलब जितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं आपको गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे लगे हैं, पैरेलल में। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले सिंस गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट क्या होता है, सेम, इसलिए हमने ये कांसेप्ट देखा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट बिकॉज़ गैल्वेनोमीटर एंड शंट बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हम इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बिल्कुल सिंपल, बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम निकालेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। देखो इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी और इसमें से जाने वाला करंट है आईजी, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज आईजी इनटू कैपिटल जी। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट कैसे निकालेंगे, अब इससे शंट से जाने वाला करंट क्या है आईएस और शंट का रेजिस्टेंस कितना है एस, तो देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट इज आईएस इनटू एस, ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज ओम्स लॉ। सिंपली हम लोग ने दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बाई यूजिंग ओम्स लॉ निकाला, आई जी इंटू कैपिटल जी और आई एस इंटू एस, एस इज द शंट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड आई एस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, आई जी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट, देयरफॉर आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। तो आई एस की बदले हम डालेंगे, देखो जैसे कि मैंने कहा आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, तो देयरफॉर आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई एस, तो भी हम आई एस के बदले डालेंगे आई माइनस आई जी इंटू एस और ये आ गया आई जी इंटू कैपिटल जी। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा, हमको पैका फॉर्मूला निकालना था, हमको शंट के लिए फॉर्मूला निकालना था, तो देखो निकल गया फॉर्मूला, तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू एस एंड देयरफॉर हेंस द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज शंट एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी into capital G. This is the required formula for the shunt. S is equal to IG upon I minus IG into capital G. अब ऐसे ही हम लोग current flowing through the shunt भी निकाल सकते हैं, current flowing through the galvanometer भी निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे। तो ये आप लोगों ने note down कर लिया, note down कर लीजिए please, note down कर लिया है, रुकना है लिखने के लिए, okay. लिख लेंगे, टेक्स्ट बुक में भी ये डेरिवेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो शंट, तो देखो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, द रिक्वायर्ड शंट व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर इज एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। अब दूसरा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं कौन सा, कि शंट में से जो करंट चलेगा जिसको हम लोग आई एस बोले हैं, शंट में से जो करंट चलेगा जिसको हम आई एस बोले हैं उसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। उसके लिए भी हम लोग फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, Since the galvanometer and the shunt both are connected in parallel and hence potential drop across the galvanometer is equal to potential drop across the shunt. देखो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो चुका है, अभी हम दूसरा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, यानी कि आई एस की फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। उसकी भी शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे, सिंस द गैल्वेनोमीटर and the shunt both are connected in parallel, hence potential drop across the galvanometer is equal to potential drop across the shunt. Ohm's law के अनुसार potential drop across the galvanometer is IG into capital G and potential drop across the shunt is IS into capital S, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें करंट को इनटू द शंट निकालना है। जैसे कि हमें पता है कि टोटल करंट जो हमको मेजर करवाना है एमीटर से वो है आई, उसमें का करंट जो हमारा गैल्वेनोमीटर सहन कर सकता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आई जी, और जो करंट हम शंट से बाईपास करवा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं आई एस।
तो इस प्रकार I इज इक्वल टू IG प्लस IS, तो हेंस हेंस I माइनस IS इज इक्वल टू व्हाट, तो एक काम करते IG को I माइनस IS से रिप्लेस कर देते यहाँ पर, एक I इसको उठाओ और यहाँ पे डाल दो। अब IG की जगह पे डालेंगे हम लोग I माइनस IS इंटू कैपिटल G और ये आ रहा IS इंटू कैपिटल S। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करते I इंटू कैपिटल G माइनस IS इंटू कैपिटल G, देखो I इंटू कैपिटल G माइनस IS इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू IS इंटू S। ओके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। तो एक काम करो इसको इधर लेके जाओ, तो I इंटू कैपिटल G, I इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू IS इंटू S प्लस IS इंटू G। नाउ टेकिंग IS एज अ कॉमन, IS को कॉमन ले लेते हैं, IS को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ रहा है S प्लस G, ठीक है, इज I इंटू कैपिटल G। हमें क्या निकालना था, हमें करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट निकालना था, तो एक काम करो IS निकालना था, S प्लस G को इधर लेके आओ, ये हो गया I इंटू G अपॉन S प्लस G इज इक्वल टू IS। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। तो ये इस द फॉर्मूला इज, एक बार फिर से लिखते हैं, IS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू R। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। व्हाट इज दैट, IS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू R। सिमिलरली हमको करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर अगर चाहिए, यानी कि IG, सिमिलरली हमको करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर यानी कि IG चाहिए, तो हम लोग के लिए ये फॉर्मूला कैसे, मैं ट्रिक बता दूँ इसको याद रखने के, कैसा आएगा फॉर्मूला, IS के बदले जाएगा IG। IS क्या, नहीं IS क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, हमें क्या चाहिए, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो IS के बदले लिखना IG, डिनोमिनेटर IG के साथ S प्लस G, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस चाहिए करंट, तो यहाँ पे आएगा देखो IS है तो G अपॉन S प्लस G, तो IG है तो क्या आएगा बताओ, S अपॉन S प्लस G इंटू, देखो IS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू R, तो IG इज इक्वल टू S मतलब जिसके अक्रॉस का चाहिए इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना, डिनोमीटर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है S प्लस G, S प्लस G यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी आया है, लेकिन सिर्फ फर्क कितना, IS चाहिए तो यहाँ पे G कितना, IG चाहिए तो S कितना। ओके तुम्हारा फॉर्मूला एक फॉर्मूला लर्न करो दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाएगा, IS इज इक्वल G अपॉन S प्लस G इंटू R, सिमिलरली IG इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G इंटू R। फॉर्मूले ध्यान में आ गए दोनों भी, कैसे क्रॉस में याद रखेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट IS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू R एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G इंटू R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बनाने के लिए आपको यही कंसेप्ट सुनो, इसको भी बनाने के लिए, फॉर्मूला को बनाने के लिए भी आपको यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सिर्फ फर्क कितना है कि IG के बजाय आप इसको रिप्लेस करोगे IS, IS को रिप्लेस करना I माइनस IG से, ब्रैकेट ओपन करना, सॉल्व करते जाना, अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ओके okay।